जेई मेन में 2017 में फिजिकल केमिस्ट्री से ये एक क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट से इस क्वेश्चन में कहता है ए मेटल क्रिस्टलाइजेज इन ए एफ सी सी स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल बिल बी तो ये क्वेश्चन एफ सी सी का है एफ सी सी यूनिट सेल का है एफ सी सी यूनिट सेल में जो एटम है वो कॉर्नर वाला एटम फेस के सेंटर वाला एटम को टच करता है जैसे एक फेस हमने ले लिया एफ यूनिट सेल का तो ये जो फेस के सेंटर वाला एटम है इस कॉर्नर वाला एटम को टच करेगा और इस कॉर्नर वाला एटम को टच करेगा तो इस फेस का जो फेस डायगोनल है इसका लेंथ इस फेस के एज लेंथ ए के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं ये जो लेंथ है वो रूट टू ए के बराबर होगा इसको कहते हैं फेस डायगोनल और अगर हम रेडियस के रिस्पेक्ट में एटम का रेडियस के रिस्पेक्ट में लिखे तो इस एटम का आर आएगा इस एटम का आर प्लस आर टू आर आएगा और इस कॉर्नर एटम का भी आर आएगा यानी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर के रिस्पेक्ट में इट विल बी इक्वल टू फोर आर एंड इट विल बी इक्वल टू फेस डायगोनल, रूट टू ए क्वेश्चन में कहता है कि जो दो आइटम है पास वाले जो आपस में टच कर रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच है वो डिस्टेंस कितना है तो ये डिस्टेंस अगर आर है यह डिस्टेंस अगर आर है तो दो नियरेस्ट आइटम के बीच का जो डिस्टेंस हुआ टू आर के बराबर टू आर का वैल्यू पूछ रहा है तो ये बात है टू आर का जो वैल्यू होगा वो रूट टू एंड डिवाइड बाई टू के बराबर होगा यानी आंसर जो होगा ए अपॉन रूट टू आंसर थ्री ये जो क्वेश्चन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज जब भी रेडियस की बात करता है हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन लाइक एटम का तो उसके लिए एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है आजकल टू ज़ीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्टन तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑर्बिट नंबर है वह है दो और जेड चूँकि हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू हो गया वन तो रेडियस जो होगा वो लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एंड मल्टीफाइड बाई एन का स्क्वायर दू फोर एंड डिवाइड बाई वन तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है टू पॉइंट वन टू एंगस्टन तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ थ्री ये जो क्वेश्चन है आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन है इसमें कहता है पीके ऑफ ए वीक एसिड एच ए एंड पी के बी ऑफ ए वीक बेस बी ओ एच आर थ्री पॉइंट टू एंड थ्री पॉइंट फोर रिस्पेक्टिवली दी एच ऑफ दियर सॉल्ट ए बी इज मतलब ये एक सॉल्ट है ए बी जो कि बना हुआ है किस से बना हुआ है तो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा और सॉल्ट के हाइड्रोलिस के करस्पॉन्डिंग फार्मूला जो पी एच का है वो बढ़िया से याद रखना है कि अगर सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस का है तो ऐसे केस में सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है पी एच इक्वल टू हाफ पी के डब्लू एन प्लस पी के एन माइनस पी के बी इस वैल्यू को पुट करते हैं हाफ पी के का वैल्यू फोर्टीन होता है प्लस पी के ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ थ्री पॉइंट टू और पी के बी का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है थ्री पॉइंट फोर इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है सिक्स पॉइंट नाइन के बराबर होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन वन सिक्स पॉइंट नाइन ये क्वेश्चन है लिक्विड सॉल्यूशन से क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी से कहता है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजिन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजिन इफ़ एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म ए डाइमर इन बेंजिन देन कैलकुलेट परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजिन जबकि के का वैल्यू दिया हुआ है तो बेंजिन एसोसिएट कर रहा है यहाँ डायमर बन रहा है डायमरेशन का प्रोसेस है तो पहले वो देखते हैं ये जो बेंजीन है सी एच थ्री सी डबल ओ एच इसका दो मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायमराइजेशन बेसिकली एसोसिएशन हो रहा है तो T कल टू जीरो पर यदि इसका एक मोल लिया गया प्रोडक्ट नहीं था शुरुआत में जीरो था और अगर सॉल्यूशन में जाते के साथ किसी टाइम टी पर इसमें से अल्फ़ा जो मोल है एसोसिएट कर गया डायमराइज कर गया तो जो डायमर है वो बनेगा अल्फा बाई टू तो वॉन्स ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो होता है नंबर ऑफ सोलिट पार्टिकल जो कि एसोसिएट या डिसोसिएट करने के बाद हो गया यहाँ एसोसिएशन है तो नंबर ऑफ सोलिट पार्टिकल एसोसिएशन के बाद जो है वह है वन माइनस अल्फा एंड प्लस अल्फा बाई टू एंड डिवाइड बाई इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल जो लिया गया था तो इनिशियली एक मोल के बराबर लिया गया था अब ये अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिल जाए जो कि यहां से आ रहा वन माइनस अल्फा बाई टू तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर दी इंफॉर्मेशन से अगर मिल जाए तो अल्फा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कहता है कि नॉन वोलेटाइल सोलिड जो एसेटिक एसिड है बेन्जिन में डालने पर जो फ्रीजिंग पॉइंट वो घट गया यानी डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में जीरो पॉइंट फोर फाइव डिग्री सेल्सियस तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई के एफ जो कि क्वेश्चन में दिया है एंड मल्टीप्लाइड बाई मोडलिटी तो यहां से वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू हमें मिल सकता है आई के का वैल्यू दिया हुआ है फंट वन टू और मोलिटी होता है नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सोलूट तो जीरो पॉइंट टू ग्राम सोलूट का ऐड किया गया है सोलूट है एसिटिक एसिड तो उसका मोलर मास डिवाइड कर दिया सिक्सटी से ये नंबर ऑफ मोल सोलूट का हो गया पर के ऑफ सोलवेंट सॉल्वेंट का जो मास है ट्वेंटी ग्राम दिया है लेकिन ये किलो में होना चाहिए तो किलो के लिए वन थाउजेंड से इसको हमने डिवाइड कर दिया तो यहां से जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू आया ये जो वन माइनस अल्फा वाई टू है इसके बराबर कर दिया तो अप्रॉक्सीमेट अल्फा का जो वैल्यू निकल करके आता है वो आता है जीरो पॉइंट नाइन फाइव एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फोर सिक्स परसेंटेज के टर्म में परसेंटेज एसोसिएशन की अगर बात करेंगे तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा नाइनटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट यानी इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हुआ वो ऑप्शन थ्री ये क्वेश्चन एक मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कहता है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स बाय मास इन द बॉडी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन एडल्ट्स आर ऑक्सीजन 61.4 परसेंट कार्बन 22.9 परसेंट हाइड्रोजन 10 परसेंट नाइट्रोजन 2.6 परसेंट द वीट वीच एज सेवेंटी फाइव के जी पर्सन वुड गेन इफ ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाई ड्यूटेरियम दिस ड्यूटेरियम आइटम इज इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी है और उसका जो मास है सेवेंटी फाइव के जी है और उसके मास में ऑक्सीजन बाई मास जो है सिक्सटी वन पॉइंट फोर परसेंट है कार्बन ट्वेंटी टू पॉइंट नाइन परसेंट है और हाइड्रोजन टेन परसेंट है नाइट्रोजन टू पॉइंट सिक्स परसेंट है तो हाइड्रोजन जो कि टेन परसेंट है इसका मतलब अगर उसके बॉडी में मास निकाला जाए हाइड्रोजन का तो सेवेंटी फाइव का टेन परसेंट दैट इज कल टू सेवन पॉइंट फाइव के जी हाइड्रोजन है और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए ड्यूटेरियम से और इस ड्यूटेरियम का जो मास है हाइड्रोजन के मास के रिस्पेक्ट में टू टाइम्स है तो अब जो ड्यूटेरियम के चलते जो मास होगा इसका दुगना होगा यानी मास अब जो ड्यूटेरियम का होगा जो उसके बॉडी में आ गया 7.5 पॉइंट फाइव मेट्राइ टू दैट इज कल टू फिफ्टीन के जी यानी इफेक्टिवली सेवन पॉइंट फाइव के जी का जो मास है वो इंक्रीज कर गया ड्यूटेरियम तो कहता है कि ड्यूटेरियम अगर होता तो कितना मास एडिशनल और उसके पास होता कितना गेन होता तो 15 के हो गया हाइड्रोजन के चलते 7.5 पॉइंट था ड्यूटेरियम के चलते 15 के है तो 15 में से 7.5 जो हाइड्रोजन के चलते मास था तो जो डिफरेंस हो गया मास का ड्यू टू ड्यूटेरियम वो हुआ 7.5 पॉइंट तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हुआ सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन टू 7.5 पॉइंट ये जो क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कहता है वन ग्राम ऑफ ए मेटल कार्बोनेट एम टू सी ओ थ्री जहाँ पर एम मेटल है ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस एच सी एल प्रोड्यूसेस जीरो पॉइंट जीरो वन वन एट सिक्स मोल ऑफ सी ओ टू गैस द मोलर मास ऑफ एम टू सी ओ थ्री इन ग्राम पर मोल इज मोलर मास पूछता है इस क्वेश्चन में कि एम टू थ्री का कितना होगा देखो ये क्वेश्चन है जिसमें कि हम पी से अगर करें तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एम टू सी ओ थ्री और एच सी एल का जब रिएक्शन हुआ तो सी ओ टू मिला जो भी एम टू सी ओ थ्री में कार्बन है वो पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट सी ओ टू के कार्बन में चला गया यानी पी ओ ए सी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम कार्बन पर लगाएं तो जितना नंबर ऑफ मोल कार्बन का यहाँ पर रहा होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल कार्बन का सी टू में भी रहा होगा तो नंबर ऑफ मोल कार्बन का अगर आप ऑब्जर्व करें उतना ही है जितना कि इस एम टू सी ओ थ्री का मोल है कैसे कैलकुलेट करोगे इसका नंबर ऑफ मोल इसका नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने के लिए इसका मास दिया है एक ग्राम तो डिवाइड कर देते हैं इसके मोलिकुलर वेट से मान लो कि इसका जो मोलिकुलर वेट है वो एक्स के बराबर है तो एक्स से डिवाइड कर दिया और नंबर ऑफ मोल जो एम का हुआ यही नंबर ऑफ मोल कार्बन का भी होगा मोल ऑफ कार्बन इन M2CO3 और यहां पर नंबर ऑफ मोल CO2 का दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल CO2 का एंड इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कार्बन का एंड इट्स गिवन 0.01186 अब ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ मोल कार्बन का यहाँ जो आपने निकाला 1 upon x और यहाँ जो नंबर ऑफ मोल कार्बन का आ रहा है दोनों बराबर होगा यानी होग तो एक्स जो मोलिकुलर मास है मोलर मास जो है एम टू थ्री का इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा वन अपॉन जीरो पॉइंट जीरो वन वन एट सिक्स और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा एटी फोर पॉइंट थ्री ग्राम परमोल यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो है ऑप्शन वन ये क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो कि हेस लॉ पर आधारित है इस क्वेश्चन में तीन रिएक्शन दिए हुए हैं और तीनों रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एच का वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ है इन किलोजुल परमोल और चौथे रिएक्शन के लिए एनथेल्पी ऑफ रिएक्शन पूछता है चौथा रिएक्शन कार्बन ग्रेफाइट प्लस टू एच टू गैस एंड इट इज गिविंग सी एच फोर गैस इसके लिए पूछता है कि डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें कि बहुत सारा रिएक्शन दिया हुआ है और डेल्टा एच का वैल्यू उनका दिया है और एक रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है उसके लिए डेल्टा एच पूछता है तो गिव इक्वेशन से ये इक्वेशन वन हो गया ये इक्वेशन टू हो गया और ये इक्वेशन थ्री हो गया इसको कहेंगे गिव इक्वेशन गिव इक्वेशन के हेल्प से ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसको कह दो इक्वेशन नंबर फोर ये हमें लाना है तो गिव इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एच को पहले वाले रिएक्शन के लिए डेल्टा एच वन कह दो दूसरे के लिए डेल्टा एच टू कह दो और तीसरे के लिए डेल्टा एच थ्री कह दो और जिसके लिए पूछता है इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फोर कह दो इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन नंबर फोर हम किस तरह से मैनिपुलेट करके गिवन इक्वेशन के हेल्प से लाएँ तो इक्वेशन नंबर फोर हमें लाना है तो इक्वेशन नंबर फोर यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो कि लेफ्ट में क्या है कार्बन ग्रेफाइट कहाँ से आएगा पहले इक्वेशन से इसमें भी लेफ्ट में है रिएक्चेंज के साइड में है ये भी रिएक्चेंज के साइड में है यानी इक्वेशन नंबर वन को इस इक्वेशन को लाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा फिर आगे देखो क्या है टू एच टू कहाँ से आ रहा है दूसरे रिएक्शन से आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा यही एक सोर्स है तो इस रिएक्शन को हमें भी जोड़ना पड़ेगा लेकिन एच टू का स्टोक्योमेट्रिक ऑप्शन देखो दो है तो इस रिएक्शन में हम क्या करें कि इसका भी स्टोक्योमेट्रिक ऑप्शन दो हो जाए तो ऐड करके दूसरे वाले इक्वेशन में दो से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यानी इक्वेशन नंबर टू एंड मल्टीप्लाइड बाई टू उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जो रिक्वायर्ड इक्वेशन उसमें सी एच फोर है सी एच फोर प्रोडक्ट के साइड में है इस तीसरे वाले रिएक्शन में हमें भी प्रोडक्ट के साइड में चाहिए और यही एक सोर्स है सी एच फोर का तो इसको भी सीधे सीधे हम ऐड कर देंगे क्योंकि इसका भी स्टोक्योमेटिक ऑप्शन वन है इसका भी वन है तो प्लस इक्वेशन नंबर थ्री जैसे जैसे आपने इक्वेशन को ऐड किया वैसे वैसे डेल्टा एच का वैल्यू भी ऐड कर दो तो ये डेल्टा एच वन नॉट हो जाएगा प्लस टू मैच पड़ाई डेल्टा एच टू नॉट एंड प्लस डेल्टा एच थ्री नॉट डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू तीनों रिएक्शन के लिए दिया हुआ इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपके पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है माइनस सेवेंटी फोर पॉइंट एट किलो जूल पर तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हुआ वो ऑप्शन हुआ टू ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है यानी सी एल टू से सी एल माइनस सी आर थ्री प्लस से सी आर आयन से सी आर थ्री प्लस एम एन ओ फोर माइनस से एम एन प्लस टू के लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में पूछता है कि एमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा तो यहां पर एक बड़ा ही शानदार प्रिंसिपल है और उस थ्योरी को याद रखना है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज कर जाता है ये सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो प्रीफरेबली सबसे पहले रिड्यूस कर जाएगा जो सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो सबसे पहले रिड्यूस करेगा वो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इस क्वेश्चन में पूछता है कि स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो जो सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया तो उसके लिए तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से सी एल माइनस से सी एल टू के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखोगे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो ऑक्सीडेशन के लिए प्लस से माइनस कर देंगे माइनस वन पॉइंट थ्री सिक्स वोल्ट सिमिलरली अगर हम सी CR आर से सी आर थ्री प्लस में जाते हैं तो इसके लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो दिया है माइनस रिडक्शन के लिए तो ऑक्सीडेशन के लिए माइनस से प्लस कर दोगे मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं अगर क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल दिया और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ज़रूरत है तो साइन को हम चेंज कर देते हैं इसी तरह से सी आर थ्री प्लस से और सी आर टू ओ सेवन टू माइनस में अगर जा रहा है तो इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा माइनस वन पॉइंट थ्री थ्री वोल्ट के बराबर होगा सिमिलरली लास्ट वाला जो दिया है एम एन प्लस टू से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एम एन ओ फोर माइनस के लिए आप निकालना चाहते रिडक्शन दिया ऑक्सीडेशन के लिए प्लस है तो माइनस कर लो माइनस वन पॉइंट फाइव वन तो ऑब्जर्व करो कि किसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो मैक्सिमम है साइन के साथ तो साइन के साथ ये सब तो निगेटिव है निगेटिव है निगेटिव है ये पॉजिटिव वैल्यू है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो वैल्यू है क्रोमियम के लिए ये सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्रोमियम Cr3 थ्री प्लस में सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा जो सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है तो आंसर हुआ Cr क्रोमियम ऑप्शन फोर ये क्वेश्चन है केमिकल कॉनेटिक्स से इस क्वेश्चन में कहता है दो रिएक्शन है आर वन और आर टू और दोनों का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बराबर है यानी ए का जो वैल्यू है दोनों का बराबर है एक्टिवेशन एनर्जी पहले रिएक्शन के लिए जो है वो दूसरे रिएक्शन के रिस्पेक्ट में टेन पर मोल ज्यादा है एक्सीड रहा है, मतलब ज्यादा है और क्वेश्चन में कहता है के वन और के टू जो है ये रेट कॉन्स्टेंट है रिएक्शन आर वन और आर टू पहले रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट के वन है दूसरे रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट के टू है टेम्परेचर इज गिवन थ्री हंड्रेड तो एल एन केवन अपॉन के टू का जो वैल्यू है वो कितना होगा तो पहली बात एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू है पहले रिएक्शन का और दूसरे रिएक्शन का बराबर है तो इसको ए कह लो रेट कॉन्स्टेंट k जो होता है उसका एक फार्मूला है के इट इज टू ए एंड ई का पावर माइनस ई ए, ए अपॉन आर टी तो पहला रिएक्शन के लिए हमने मान लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी ई वन है दूसरे रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ई टू कह लो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो ई वन है और ई टू है इसका जो डिफरेंस है टेन किलो जूल है इसको जूल में कन्वर्ट कर लो तो टेन मल्टीपल बाई वन थाउजेंड ये जूल में आंसर होगा ई वन माइनस ई टू के लिए अब के टू का भी वैल्यू पुट कीजिए और के वन का वैल्यू भी पुट कीजिए के टू का जो वैल्यू होगा वो लिख सकते हैं ए एंड ई का पावर माइनस ई टू अपॉन आर टी सिमिलरली के वन का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं के वन टू ए एंड ई का पावर माइनस इसका एक्टिवेशन एनर्जी ई वन एंड डिवाइड बाई आर टी के टू को के वन से यदि हम डिवाइड कर दें क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है एल एन के टू अपॉन के वन तो अगर क्वेश्चन में के वन अपॉन के टू का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए के टू अपॉन के वन बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसमें के वन अपॉन के टू नहीं बल्कि के टू अपॉन के वन पूछा हुआ है एल एन के टू अपॉन केवन तो के टू अपॉन के वन के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर डिवाइड कर देंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो ई e का जो पावर आएगा वो आएगा ई वन माइनस ई टू एंड डिवाइड बाई आर इसी को अगर हम ln ले लें तो ln के टू अपॉन के वन इट विल बी इक्वल टू ई वन माइनस by टू एंड डिवाइड बाई आर ई का वैल्यू वन होगा इसी का वैल्यू पूछता है तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है यहाँ पर आप लिख चुके हैं टेन मल्टीपल बाई वन थाउजेंड डिवाइड बाई आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया भी हुआ है जूल में एट पॉइंट थ्री वन फोर और टेम्परेचर केलविन में ये भी दिया हुआ है थ्री हंड्रेड तो ये वैल्यू जो है आपका निकल करके जो आता है वो आता है फोर के बराबर